नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को महज अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनेताओं के बीच टिकट पाने और विधायक बनने का लालच पनपने लगा है। अब विधानसभा के वरिष्ठ बीजेपी नेता भरत नेगी ने लालकुआ विधानसभा से बीजेपी टिकट के लिए अपनी दावेदारी की है। उनकी दावेदारी से विधानसभा में सियासी पारा चढ़ गया है। आपको बता दें कि लालकुआ के बिंदु खत्ता स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता भरत नेगी ने दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि वो 25 सालों से बीजेपी में सक्रिय ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व में नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन पद पर भी रह चुके हैं और वर्तमान में बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं कि किसी को तैयारी करनी। हाँ, विषय रहा यहाँ जुड़ने का तो 25 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है और पार्टी ने हमेशा जो काम दिया उसको तन्मयता के साथ किया है। इसीलिए आगामी 2022 के चुनाव में मेरी अपनी दावेदारी है और पार्टी अगर इस लायक समझेगी, चूँकि दावेदार बहुत हैं और पार्टी ने अगर टिकट दिया तो स्थानीय होने के नाते और लगातार बराबर जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क जो अपना है उसका पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, मुझे फ़ायदा मिलेगा और ये सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं जा रही है, चाहे वो दावेदार कोई भी हो, विषय ये नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का काम हमेशा सतत जो है कि लोगों की सेवा करना रहता है और वो आपने देखा होगा, चाहे कोविड काल हो ये हो, जहाँ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने जो है कि कोविड को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही हम कहते हैं। हरिद्वार के सिडकुल स्थित सेलो कंपनी चौक पर एक युवक ने अपने गले पर खुद ही धारदार हथियार से हमला कर लिया। वहीं सूचना पर पहुंची थाना सिडकुल पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल भिजवाया और युवक के पास से चाकू और एक ब्लेड भी बरामद किया। आपको बता दें कि युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया, इस मामले में थाना सिडकुल पुलिस की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है। युवक ने अपना स्वयं ही गला काट दिया। हमें एडीबी चौक के पास एक लड़का घायल अवस्था में मिला था तो तत्काल मौके पर चेतक पहुंची तो उससे पूछा तो बोलने की स्थिति में बनी था, लेकिन उसने इशारों में करके बताया कि मैंने अपना गला खुद काटा है, मेरा गला किसी दूसरे ने नहीं काटा। उसके हाथ में एक ब्लेड खून से सनी हुई, हाथ भी उसके खून से सनी हुई, जेब में एक चाकू बरामद हुआ। उसकी जान बचाने के लिए उसे तत्काल 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। अभी वर्तमान में घायल अवस्था में दोस्त थे अनुप पांडे, जो अध्यक्ष बताता है मेरे साथी अभी रहता था, अभी 2-3 महीने साथी में हम लोग शिफ्ट हुए थे। पहले एक कंपनी में काम करते थे, फिर कंपनी में एक ही साथ काम करते थे, उसके बाद फ्रेंडशिप हुई तो हम दोनों एक साथ रहने लगे। उसके बाद वो कम से कंपनी में काम करता था, मैं फिर कंपनी में काम करता था। बस उसके बाद दिन बीतते गए, उसका पता नहीं किसी लड़की से प्यार हो गया और जो कुछ भी रहा होगा, अपना आता था, ड्यूटी करता था, जाता था, बस रहता था, बहुत खुश रहता था। 18 अक्टूबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष स्वर्ग पंडित नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शंखनाद संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी से कांग्रेस में वापस आए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत भी किया जाएगा, जहाँ कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बीजेपी में गए कार्यकर्ता कांग्रेस में वापसी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कांग्रेस ने शंखनाद संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कल ये इस यात्रा की शुरुआत होगी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे में यशपाल आर्य जो बीजेपी छोड़कर घर वापसी उन्होंने की है, कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं और उनके बेटे की वापसी को लेकर भी उन दोनों का ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत भी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 18 तारीख को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसमें पूरे कुमाऊं के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वहां पर आएंगे।
और साथ ही उसी दिन हमारे जो है 18 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जन्मदिन होने की वजह से इस वजह से भी वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके साथ ही साथ हमारे जो अभी नए नए पूर्व काबीना मंत्री श्री यशपाल आर्य जी कांग्रेस में आए हुए हैं, उनका भी वहाँ पर सम्मान होना है। उनका और उनके पुत्र संजीव आर्य जी विधायक नैनीताल, दोनों नेताओं का वहाँ पर सम्मान होगा और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जो है उस दिन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो उसमें आज लालकुआ विधानसभा में हमारी बिंदुघत्ता में एक बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया कि यहाँ पर से हजारों की संख्या में लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस के लोग जो है वो रामलीला ग्राउंड जाएंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद से ही सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है कई इलाकों में, वहीं भारी बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ ही बारिश की वजह से एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश के हालातों पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पौड़ी की, रुड़की की, हरिद्वार की, जहां पर लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही है। आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से 2 से 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था, बारिश का अनुमान जताया गया था। ऐसे में सुबह से ही बारिश पड़ रही है तमाम उत्तराखंड के जिलों में। ये पौड़ी, रुड़की और हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बारिश के बाद लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरह से नजर रखे हुए है और सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में हालात ना बिगड़े इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, अलर्ट है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से कल और परसों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक योगंबर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। आपको बता दें कि पैतृक घाट पर शहीद योगंबर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। सुबह शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पर पहुंचा, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शहीद की मां जानकी देवी और पत्नी कुसुम देवी शव से निपट कर बिलखने लगी और बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी परिजनों का ढाढ़स बढ़ाया। आपको बता दें कि शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली, वहीं पूरा गांव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। हरिद्वार में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में दस्तक लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे भेल में करीब 16 फीट का लंबा अजगर मिला, वहीं खतरनाक अजगर निकलने के से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। खतरनाक अजगर की सूचना भेल कर्मी ने हरिद्वार रेंजर दिनेश नोडियाल को दी, जिसके बाद रेंजर दिनेश नोडियाल के निर्देश पर वन विभाग और QRT की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कर्मचारी तालिब और पवन सिंह ने खतरनाक अजगर का रेस्क्यू कर लिया। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं रुड़की की, जहां पर भील में ये 16 फीट का लंबा अजगर मिला है, जहां पर लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। ऐसे में रिहायशी इलाके में लगातार जानवरों की दस्तक जारी है, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस अजगर का रेस्क्यू कर लिया। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी में भगवानपुर बाईपास मार्ग पर स्थित PNB बैंक में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, वहीं आग लगने से बैंक में रखा फर्नीचर भी जलकर राख हो गया है। तो रुड़की की तस्वीरें देख सकते हैं, PNB बैंक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां पर रखा फर्नीचर भी पूरी तरह से जल कर राख हो गया। हालांकि कितने का नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।
सुबह 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि धनौरी में पीएनजी में आग लगी है। तो मैंने वहीं से अपने मेरे यहां पर किरान कल्यर ड्यूटी में हमारे फायर टैंकर लगे हैं दो, जो मेला की ड्यूटी हुए थे, तो यहां पर जो है सबसे नज़दीक हमारा फायर टैंकर मौजूद था। तो मैंने वहीं से इनको कॉल किया कि आप तुरंत घटनास्थल पर जाइए और उसको कवर करिए। तो ये लोग तुरंत आए और जनता द्वारा भी बहुत प्रशंसा से की कि फायर सर भी बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच गई और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गया। मैं भी बैंक में आग लगी है कि सूचना पर तुरंत वहाँ से अपनी छोटी गाड़ी लेके पहुँचा और मैंने आग हमारे कर्मचारी आग बुझा रहे थे, तो मैं भी अंदर जाके देखा तो आग थोड़ी हल्की फुल्की सुलगी हुई थी और बाकी हमारे कर्मचारी ने मेरे आने से पहले ही बुझा दिया गया था। यातायात निदेशक की तरफ से आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरिद्वार के प्रमुख चौराहे पार्क में आज से 7 दिवसीय यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। आपको बता दें जिसमें यातायात नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूकता के उद्देश्य से कम 10 उल्लंघनों का त्याग करने के लिए नाट्य कलाकारों की प्रस्तुति के जरिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही हरिद्वार रुड़की शहर के प्रमुख चौराहों पर जब ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती ऑन होती है उस दौरान रुके हुए यातायात को कम से कम 30 सेकंड तक होने वाली गतिविधियों के जरिए आम जन की तरफ से रोज किए जाने वाले नियमों के उल्लंघनों के बारे में भी जानकारी देकर यातायात उल्लंघनों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो भी लोग हैं जो अपनी जैसे बुराइयों का अंत किया जाता है रावण पे जलाने के, उसमें तो हमने भी ये कोशिश करी है कि रंगमंच के तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए और जितने रावण के जो सर थे उतनी ही बुराइयां अगर हम अपने अंदर से निकाल लें उसको ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए तो काफ़ी जान माल का जो नुकसान होता है हमारा उसको कम किया जा सकता है। अब ये देखिए कि ये पूरा एक PSQ के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है जिसको जो मुख्य हमारे जो सिटीज़ हैं जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार में एक हरिद्वार सिटी है, एक रुड़की, तो इन सभी जगहों पे इनके द्वारा लोगों को आकर्षित किया जाएगा तथा उनको बताया जाएगा कि भाई आप ये वाले ऑफेंसेस ना करिए और अपनी जान की रक्षा कीजिए। हम लोगों ने एक संयुक्त कोशिश करी है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में शहर की सड़कों पे निकल के हमारा ये प्रयास था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई बेसिक बात बतानी होती है बड़े सीरियस तरीके से बताते हैं तो लोग उतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं, सबको एक आकर्षण चाहिए होता है, तो हमको ये लगा कि हम इस तरह का एक राउंड क्रिएट करें। और रावण दहन हर बरस करते हैं लेकिन ये वो बुराइयां जिनको हम रोज़ शहर की सड़कों पे नहीं मान रहे होते हैं, हमको लगा कि हम ये लोगों को बताएं, तो हमने देहरादून में भी की पिछले 5-7 दिन से लगातार वहाँ पे, ऋषिकेश में कल हम थे इंद्रमणि बडोनी चौक पे, आज हम इस वक्त यहाँ हरिद्वार में हैं, आगे रुड़की जाएंगे। तो कोशिश यही है कि देखिए सड़क हादसे जो हैं वो जितने कम हो सकें, हम लापरवाही, हमको स्मार्ट शहर तो चाहिए लेकिन हम स्मार्ट नागरिक नहीं बनना चाहते, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम इन शहरों को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम शहर में सड़क पे जब निकले तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान सड़क से सबसे ज्यादा होती है, तो इसी चीज की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लक्सर के उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर सहित 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र से अवैध खनन की सूचनाएं लगातार मिल रही थी और इसी कड़ी में तहसील टीम के साथ दबिश दी गई जिसमें अवैध खनन से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और डंपर को अवैध खनन परिवहन करते हुए पाया गया जिन्हें सीज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी की तरफ से की गई इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी तो इसमें कल यहाँ इसमें अपनी टीम के साथ दबिश दी गई तो 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर अवैध परिवहन करते पाया गया तो उसको सीज कर दिया गया है और उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश की टीम चंद्र भागा पुल के नीचे बनी झोपड़ियों को फिर से बिना नोटिस के तोड़ने JCB मशीनें और पुलिस बल के साथ पहुंची जिसका पता चलने पर मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने पहुंचकर विरोध किया जिसके चलते नगर निगम को वापस ही वहां से लौटना पड़ा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि बार बार नगर निगम प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गरीब लोगों को उजाड़ने का काम
करता है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम गुपचुप तरीके से किनारे बने कुछ लोगों के घरों को तोड़ने के लिए वहां पर पहुंचा, जब उनसे पूछा गया कि किसके आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है, तो ना तो कोई आदेश दिया गया और ना ही कोई जवाब दिया गया। तो आपको बता दें कि जयेंद्र रमोला ने ये विरोध किया नगर निगम की टीम का, वो झोपड़ियों को तोड़ने के लिए पहुंची थी, उनसे पूछा गया कि कहां आपको किसने आदेश दिया है, तो नगर निगम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, ना ही उनकी तरफ से कोई आदेश दिखाया गया। ऋषिकेश नगर निगम मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए बार बार चंद्रभागा पुल के नीचे गरीब लोगों के झोपड़ी उजाड़ने का काम करते हैं, जबकि इनसे किसी भी प्रकार का ना अतिक्रमण है ना कुछ है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कागज है, आपके पास क्या अधिकार है इस नदी में आकर, इस किनारे में आकर आप इसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। त्यौहार का समय है, दीपावली का समय है, लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़े होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप इनका घर उजाड़ने के लिए फिर दोबारा से आ गए। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, ये किसी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का कृत्य करने का काम कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ थी और रहेगी। दोबारे से ये फिर दोबारे यहाँ पर इस तरह से उजाड़ने का काम करेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एकजुट होकर इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ करें। ये अधिकार, ये पेपर लेके आए, पेपरों के साथ बात करें, इन पर किस आदेश से ये यहाँ पर पहुँचे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको ये गरीबों की झोपड़ी दिखती है, लेकिन आगे अगर जाके देखेंगे कुछ लोगों ने अपने सीवर तक के टैंक तक नदी के अंदर बना दिए हैं, जो कि NGT के आदेशों का उल्लंघन है। उसके बावजूद भी ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। ऋषिकेश नगर निगम मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए बार बार चंद्रभागा पुल के नीचे गरीब लोगों के झोपड़ी उजाड़ने का काम करते हैं, जबकि इनसे किसी भी प्रकार का ना अतिक्रमण है ना कुछ है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कागज है, आपके पास क्या अधिकार है इस नदी में आकर, इस किनारे में आकर आप इसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। त्यौहार का समय है, दीपावली का समय है, लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़े होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप इनका घर उजाड़ने के लिए फिर दोबारा से आ गए। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, ये किसी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का कृत्य करने का काम कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ थी और रहेगी। दोबारे से ये फिर दोबारे यहाँ पर इस तरह से उजाड़ने का काम करेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एकजुट होकर इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ करें। ये अधिकार, ये पेपर लेके आए, पेपरों के साथ बात करें, इन पर किस आदेश से ये यहाँ पर पहुँचे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको ये गरीबों की झोपड़ी दिखती है, लेकिन आगे अगर जाके देखेंगे कुछ लोगों ने अपने सीवर तक के टैंक तक नदी के अंदर बना दिए हैं, जो कि NGT के आदेशों का उल्लंघन है। उसके बावजूद भी ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। यशपाल आर्य और संजीव आर्य को दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अवसर पर हल्द्वानी में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में संकल्प विजय शंखनाद जनसभा को सफल बनाने और सितारगंज विधानसभा से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी करने के लिए नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के कार्यालय पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक भी सम्पन्न हुई। बैठक में तय किया गया कि 18 अक्टूबर को हल्द्वानी में होने वाले संकल्प विजय शंखनाद जनसभा में कार्यकर्ता सैकड़ों संख्या में सितारगंज से हल्द्वानी कूच करेंगे। शक्ति फार्म हल्द्वानी त्राहे चौक पर सुबह 10 बजे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने वाहनों से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। हमारे हल्द्वानी में ही जनसभा बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है, जो हमारे संकल्प विजय जनसभा होगी। माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य जी और मेरे बड़े भाई संजीव आर्य जी, विधायक नैनीताल, आप लोगों का स्वागत समारोह का वहाँ प्रोग्राम रखा गया है और एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के नेता और हमारे कार्यकर्ता सब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे सतारंज में से जितने भी पदाधिकारी हैं अभी सब लोगों की मीटिंग हुई है। हम सब लोग ज़्यादा यहाँ से एक रैली के रूप में यहाँ हम हल्द्वानी पहुँचेंगे।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पतंजलि अनुसंधान केंद्र हरिद्वार पहुंची, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अनुसंधान केंद्र पतंजलि का अवलोकन भी करवाया। आपको बता दें कि राज्यपाल ने स्वामी रामदेव और पतंजलि वैज्ञानिकों से औषधियों के अनुसंधान और खोजबीन के बारे में भी जानकारी ली। वहीं राज्यपाल से इस अवसर पर अनुसंधान केंद्र में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की। लक्सर में बसपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष बसपा नरेश गौतम और प्रदेश प्रभारी बसपा प्रदीप जाटव और पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने कहा कि बसपा के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश प्रभारी और सभी जिम्मेदार लोग गाँव जाकर 24 अक्टूबर को हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश जी रुड़की के नेहरू स्टेडियम में होने जा रहे कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए अपील कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आकाश आनंद का संबोधन सुने। प्रदेश प्रभारी जी और सभी लोग जिम्मेदार लोग गाँव गाँव जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। 24 अक्टूबर को हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी इधर आ रहे हैं। हम उनके सम्मान में एक एक कार्यकर्ता घर से निकल कर तैयार होगा। भीड़ का तो कुछ पता नहीं, बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड भी बहुजन समाज पार्टी ने तोड़ती है और किसी पार्टी का नहीं तोड़ती। और मैंने ये देखा है कि युवाओं में बहुत उत्साह है। आकाश जी का नाम सुनते ही युवा अपने आप ही तैयार हो रहे, जगह जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे सब लोग तैयार हो रहे और हमें तैयार होकर मिल रहे। 24 अक्टूबर में नेहरू स्टेडियम रुड़की में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम सुबह से विधानसभा वार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। उनको गांव-गांव जाकर अपने लोगों से मिलकर हम उस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार संत निरंकारी मंडल के तत्वधान में और सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज की असीम कृपा से हरिद्वार सत्संग भवन में और मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह के तत्वधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हरभजन सिंह जीओ ब्रांच के संयोजक महात्मा सुरेश सवाला ने फीता काट कर किया। आपको बता दें कि मानव सेवा के जज्बे को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स रक्तदान के लिए आगे आए हैं। मसूरी जोन का सेवादार जोन इंचार्ज हूँ और ये हरिद्वार में जो आज आप रक्तदान शिविर देख रहे हैं, ये सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, पिछले संडे को 10 तारीख को भोगपुर में, उससे पहले 3 तारीख को नरेंद्र नगर में, उससे पहले 26 तारीख को ऋषिकेश में, उससे पहले देहरादून में, विकास नगर में, डोईवाला में लगातार रक्तदान शिविरों का तांता लगा है। क्योंकि रक्त की कोई मशीन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है कि बनाई जा सके। इंसान का अगर जान बचानी है तो रक्त की ज़रूरत पड़ती है और संत निरंकारी मंडल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हम सबसे ज़्यादा 11 लाख से ऊपर रक्तदान कर चुके हैं और सिर्फ ये मसूरी जोन ही, पूरे विश्व में इस तरह के रक्तदान शिविर लगते रहते हैं और आने वाले समय में भी दास के पास बहुत सारी ब्रांचों के प्रपोजल आए हुए हैं रक्तदान शिविर के लिए। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज ने यह प्रथा 1986 से शुरू की थी। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग के 2 दिन के हाई अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अस्थायी तौर पर केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा कई पहाड़ों पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं, जो यात्रियों को मौसम की जानकारी दे रहे हैं। अब मौसम सामान्य होने पर यात्रा को बाद में दोबारा से खोल दिया जाएगा।
जैसे कि आप जानते हैं आज का और कल का मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट आया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस क्रम में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड से वर्तमान में सुबह से आज सुबह से यात्रा रोक दी गई है। जो यात्री इससे पूर्व निकल गए हैं उनको भी अवेयर करवा दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तत्काल जो है अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचें। इसके अतिरिक्त जितने भी यात्री केदारनाथ पे थे उनके दर्शन फैसिलिटेट करवाते हुए उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल आप जो है सोनप्रयाग तक गौरीकुंड तक पहुँचें। इसके अतिरिक्त समस्त SDMs को, समस्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अवेयर कर दिया गया है और इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो ज़िले में स्थापित होता है उसको भी पूरा अप कर दिया गया है, जिसके क्रम में समस्त कार्मिक जितने भी हैं, समस्त ऑफिसर्स जितने भी हैं वो अलर्ट मोड में हैं और अपनी अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। जितना भी हमारा फील्ड लेवल कर्मचारी है वो सूचनाएँ लगातार भेज रहा है और सूचनाएँ संकलित भी कर रहा है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।